नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज के वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है मध्य प्रदेश शासन में, जो भी सरकारी पदों पर हैं, चाहे वो अधिकारी हो कर्मचारी हो, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ट्रांसफ़र पर जो बैन था वो हटा दिया गया है। उस बैन हटाने से जो प्रोसीजर स्टार्ट किया है या जो पॉलिसी बनाई है ट्रांसफ़र की, उसी के अनुसार ऑनलाइन प्रोसेस चालू किया है ट्रांसफ़र के लिए, वो इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, IFMIS के जरिए आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र का जो है रिक्वेस्ट यहाँ से हम पूरा समझ लेते हैं। पूरा यूजर मैनुअल दिया है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांसफ़र का ये उन्होंने पूरा बना दिया है। इसमें आपके पास एक एम्प्लॉई कोड होता है, उस एम्प्लॉई कोड से आपको लॉगिन करना है। पासवर्ड के लिए आप अपना जो DDO है उनसे संपर्क कर सकते हो, खुद भी रीसेट कर सकते हैं अगर आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तब। उसके लिए इन्होंने पूरा प्रोसीजर समझा दिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ शासकीय सेवक के लिए क्या प्रोसीजर है। अब आप देखिएगा, स्वान कनेक्शन में तो आप ये वाला यूज़ करते हैं। आपको क्या करना, URL देखिएगा मोबाइल स्क्रीन पर, mptreasury.gov.in/IFMIS, इस पर आप क्लिक करेंगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके का एक जो लॉगिन विंडो खुल जाएगी। इस लॉगिन विंडो में user ID आपका एम्प्लॉई कोड होगा, पासवर्ड आप अपनी संस्था से, आपके DDO जो भी हैं, जहाँ सैलरी जहाँ से निकलती है आप ट्रेजरी से पता कर सकते हैं, और चाहे तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर OTP आएगा। इसके बाद आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं लॉगिन करने के बाद, इस तरीके का एक पेज खुलता है। सबसे पहले सर्विस रिक्वेस्ट पे आप जाएंगे तो पहला ही पॉइंट है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लाइट है, तो इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो फिर आपको पूरी डिटेल भरनी रहती। उसके नीचे कैंसिल का ऑप्शन भी है, ये हमको क्या करना है, पूरा फिल करने के बाद आपसे फिर 3 ऑप्शन पूछता है, आपका डिपार्टमेंट का नाम। ये 3 ऑप्शन आप भर देंगे, इन भरने के बाद आप रीजन लिख देंगे ट्रांसफ़र का। इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने का भी प्रोसीजर है, 50 KB से बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, PDF या कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये तो मैंने बता दिया आपको, जैसे ही सबमिट करते हैं आप कैंसिल करना चाहें कैंसिल भी कर सकते हैं, पूरा यूजर मैनुअल दिया हुआ है। इसको भी हम, अब मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अगर आप किसी को ज़रूरत है तो वो मेरे से मांग सकता है, ये हम यूजर मैनुअल उसको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ये पूरा हमने इस तरीके से रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद आपको ये कुछ नहीं करना रहता। इसका आप चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं। आगे की प्रोसीजर फिर वो DDO को, BCO को, उनको करनी रहती है, वो उस चीज़ को आगे कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस बढ़ जाता है। चलिए, ये तो था, ये आदेश भी आया हुआ था, तो हमने ये तो आपको यूजर मैनुअल बता दिया। इसी के साथ हम थोड़ा सा आपको और बता दें कि हमारा जो विभाग है उसके अंदर भी ये चल रहा है ट्रांसफ़र का दौर। तो एक और आपको ये ट्रांसफ़र लिस्ट से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। अभी क्या है, जिला स्तर के जो कैडर हैं, जिनको जिले के अंदर के जो कैडर रहते हैं, उसके अंदर प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी गई है 30 जून को, तो ये लिस्ट भी हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप हमसे पूछें। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है RK दांगी, और एक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है लेटेस्ट ITI इंफॉर्मेशन करके है लेटेस्ट, तो वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी RK दांगी के नाम से ही है, वो भी जुड़ सकते हैं। ये मंत्रियों की लिस्ट दी हुई है, तो आप किस ज़िले से बिलोंग कर आपकी जहाँ पर आप पदस्थापना है जिस ज़िले में, उस ज़िले के मंत्री से आप संपर्क कर सकते हैं, उनके अनुमोदन पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। चलिए, एक तो ये था, इसके अलावा एक और हमारा जो ITI का जो सबसे ज़रूरी है, ये तो मैंने ऑनलाइन बता दिया। अगर ऑफलाइन प्रोसीजर अगर आपकी ऑफिस में अगर बताया गया, तो इस तरीके का फॉर्म आता है, ये आपको भरना रहता है। इसमें आपको 3 जानकारियाँ भरनी रहती हैं चॉइस, और ये पूरा आपको इस तरीके से आपको सबमिट करना है। ITI में 12 जुलाई तक सबमिट करने का इन्होंने बोला है, जो लेटर आया था वो संचालनालय से, तो JD ऑफिस के जरिए ये आपका स्थानांतरण का आवेदन फॉर्म आप जमा कर सकते हैं संस्था में। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि जो अपना आवेदन ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो चाहते हैं आपके साथी जो पहले से कहीं जगह पर चाह रहे हैं काफ़ी समय से कि उनका कहीं ट्रांसफ़र हो, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।